अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इससे पहले वन क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर चुके हैं और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि क्लास 8 का जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ कि एक्चुअली बुक पे इसकी क्या शक्ल व सूरत है, मीन्स इसकी क्या स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर आप गौर करें तो यहाँ लिखा हुआ 50 whole 3/4 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 whole 1/2 किलोग्राम्स पैकेट्स। फाइंड हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड एंड हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 whole 1/2 किलोग्राम्स। यानी हमारे पास दो चीज़ें दी गई हुई हैं, राइस की टोटल बताया गया कितने राइस हैं और फिर बताया गया कि उनको कितने किलोग्राम पैकेट्स में पैक किया जाता है। तो हमने क्या फाइंड करना है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, पैकेट्स के नंबर्स फाइंड करने हैं और बी पार्ट में हमने फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ राइस, यानी 8 पैकेट्स में कितने राइस आएंगे अगर उनका मैस 5 whole 1/2 होगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को और आई होप सो के स्टेटमेंट से आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है। सो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपने स्टेटमेंट के हर वर्ड को बहुत केयरफुली और फुल फोकस के साथ पढ़ना है और समझना है, देन आप जो है वो काबिल होंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख लिया, हमेशा आप भी आंसर लिखने से पहले SOL इस तरह से लिख लिया करें, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर लिख लिया है और इससे ज़रा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। उसके बाद एज गिवन भी लिख सकते हैं आप या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अब जो जो चीज़ें मेरे पास गिवन थी, मैंने जो आपको स्टेटमेंट में दिखाई थी, मैं वो लिखूँगी। इसमें मुझे दो चीज़ें गिवन थी वो मैं यहाँ पर लिखूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो ब्लर कर रही थी तो मैं उसको ज़रा सेट कर रही थी। तो यहाँ पे जी हमें कौन कौन सी दो चीज़ें गिवन है, एक तो हमें टोटल राइस बताए गए हैं कि राइस कितने किलोग्राम्स हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी टोटल राइस इज़ इक्वल टू 50 whole 3/4 किलोग्राम्स। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ताकि क्वेश्चन को आगे चल के सॉल्व करना आसान हो जाए। मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में कैसे आते हैं, 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया 200 आ गया, उसमें जो न्यूमिनेटर में 3 उसको ऐड करेंगे तो 203/4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब एक और चीज़ जो हमें गिवन थी, आई थिंक वो था वेट ऑफ पैकेट्स है। यहाँ पे ये देखें, हमें दो चीज़ें गिवन थी, सेकंड चीज़ थी कि पैकेट्स का कितना वेट है, 5 whole 1/2 किलोग्राम्स के जो पैकेट्स हैं उसमें हम लोग राइस को जो है वो फिल कर रहे हैं। सो इसी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेंगे वेट ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स का वेट क्या है, 5 whole 1/2 किलोग्राम, इसको भी सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 2 10 + 1 किया तो 11/2 किलोग्राम्स हो गया। उसके बाद जी ये चीज़ें गिवन हमने लिख ली, उसके बाद हमें दो पार्ट्स दिए गए जिनके हमने आंसर्स फाइंड करने। पहला पार्ट है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, यानी चावलों के कितने, यानी राइस के कितने पैकेट्स बनाए जाएंगे। इससे पहले सिर्फ पैकेट्स का वेट बताया गया है और टोटल राइस बताया गया, अब बताना है कि कितने पैकेट्स बनेंगे अगर हम उसमें जो चावल गिवन है क्वांटिटी वो डाल दें। तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स फाइंड करने का क्या तरीका है, जो दो चीज़ें गिवन है उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, टोटल राइस जो कि 203/4 था उसको डिवाइड करेंगे वेट ऑफ पैकेट्स पे जो 11/2 था, 203/4 एक लाइन लगाई और नीचे 11/2 लिख दिया। डिवीजन की जगह मैं इस तरह से भी इसको लिख सकती हूँ डिनोमिनेटर में। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो मल्टीप्लाई का साइन लग के रिवर्स हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी, 11/2 है तो 2/11 हो गया, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हुआ, 203/2 इंटू 11 बचा और 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया 22, यानी 203/22। अब अगर आप गौर करें तो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन चीज़ें थी वो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी, उनको हमने तब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। सो जब भी आपके पास क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा आंसर भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाएंगे, अगर क्वेश्चन सिंपल फ्रैक्शन में तो आंसर भी सिंपल फ्रैक्शन में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 203 को डिवाइड कर रही हूँ 22 पे, और किस लिए हम डिवाइड करें, ताकि उसका आंसर
मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए। 22 को 9 से किया 198 आ गया, 13 माइनस 8 किया 5 बच गया, और यहाँ पे कैरी लिया था 0 के साथ तो वो आगे चला गया 3 के साथ, तो यहाँ 9 बच गया, 9 माइनस 9 0 हो गया। अब मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता, डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब मैं अगर 22 को करूँ 2 से तो मेरे पास 44 आता है, और अगर मैं 3 से करूँ तो ये 66 आएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा 50 से। आप सबको पता है, नाउ यू आर इन अ बिग क्लास, सो व्हाट आई विल राइट, 22 × 2 इज़ इक्वल टू 44 यहाँ पे लिख देंगे, और उसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6, रिमाइंडर में बच जाएगा। अब मेरे पास ऊपर आंसर आया 9.2, ये हम फाइंड किया था हमने नंबर ऑफ पैकेट्स। अब 9.2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 10 के, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ पैकेट्स बताने, तो हम ये तो नहीं बता सकते कि वो 9.5 पैकेट्स थे, 9.2 थे, 9.1 थे। सो हम उसको एक प्रॉपर होल नंबर में आंसर लिखेंगे, और उसको हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 है, और नंबर ऑफ़ पैकेट्स का आंसर हमारे पास आ गया है 10। यानी जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन थी, क्या गिवन था, टोटल राइस गिवन थे, वेट ऑफ पैकेट्स बताया हुआ था सिम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो उनको सिंपल फ्रैक्शन में किया, नंबर ऑफ़ पैकेट्स फाइंड करने थे, जो दो चीज़ें गिवन थी उन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई में साइन करके चेंज करके उसको रिवर्स किया, जो कटिंग हो रही थी वो की, फिर डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट है, हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 होल 1/2। अब हमने बताना है कि अगर हमारे पास 8 पैकेट्स हों जिनका वेट हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 5 होल 1/2 किलोग्राम है, तो कितने राइस हर पैकेट के अंदर आएंगे। सो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, हमने फाइंड किया करना हाउ मच राइस, यहाँ से पता चल रहा है कि हमने क्वांटिटी ऑफ राइस फाइंड करनी है। सो सबसे पहले मैं गिवन चीज़ें लिख लूँगी, नंबर ऑफ़ पैकेट्स ऊपर देखिए लिखा हुआ है 8 पैकेट्स, नंबर ऑफ़ पैकेट्स लिख लिए 8 है, और सेकंड चीज़ जो गिवन है वो उनका मैस है, किसका मैस है या वेट आप कह लें, पैकेट्स का। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी वेट ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू 5 होल 1/2 किलोग्राम, वेट ऑफ ईच पैकेट इज इक्वल टू 5 होल 1/2 किलोग्राम। और उसके बाद मुझे फाइंड करना हाउ मच राइस, यानी 8 पैकेट्स के अंदर जिनका वेट 5 होल 1/2 किलोग्राम है, कितने राइस में डाल सकती हूँ। सो यहाँ पे मैं हाउ मच की जगह मैं लिख रही हूँ क्वांटिटी ऑफ राइस हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, जो दो चीज़ें गिवन है नंबर ऑफ़ पैकेट्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ पैकेट से, 5 होल 1/2 को सिंपल फ्रैक्शन में किया, 5 × 2 = 10 प्लस 1 = 11/2, 2 × 4 = 8 से कैंसिल होके 4 बच गया, 4 × 11 से मल्टीप्लाई किया 44 kg हमारे पास क्वांटिटी ऑफ राइस आ गई। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, दो पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। सो जो चीज़ें गिवन थी उनको आपस में मल्टीप्लाई किया पार्ट बी में, और हमने क्वांटिटी ऑफ राइस फाइंड कर ली। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ आप वीडियो देख लेते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। सो प्लीज़ जो रेड बटन सब्सक्राइब का नज़र आ रहा है, प्लीज़ उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप उसको आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। सो अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।